कभी भी आत्महत्या मत करना, एक बार जीसस को याद करना, परमेश्वर पिता को याद करना, आत्महत्या कभी मत करना दोस्तों। कोई मेरी बातों को माने या ना माने, इससे परमेश्वर का सच झूठ में नहीं बदल जाएगा। जो सच है, मैं कुरान पढ़ती हूँ, मैं बाइबल पढ़ती हूँ, मैं सारी धार्मिक किताबें पढ़ती हूँ, और जो सच है वो मैं खुले आसमान के सामने परमेश्वर को कहती हूँ कि हे परमेश्वर, जो सच्चाई है वो मेरे सामने है, जो खुदा जिंदा है वो मेरे सामने आए। तो दोस्तों मैं आपको सच कहती हूँ, क्लब में दारू पीने के लिए हर कोई लेके जाएगा, नाचने के लिए डिस्को में हर कोई लेके जाएगा, आपको बुरे काम करने के लिए, गंदे काम करने के लिए हर कोई लेके जाएगा, लेकिन सच्चाई की राहों पर राखी सावंत ही ले चलेगी। कि जो सच है उसे कोई, हर मनुष्य झूठा है, परमेश्वर सच्चा है, इसीलिए सच का साथ देना चाहिए। कभी भी आत्महत्या मत करना, एक बार जीसस को याद करना, परमेश्वर पिता को याद करना, आत्महत्या कभी मत करना दोस्तों। आपकी जो अपनी जिंदगी है वो आपकी नहीं, परमेश्वर की है। प्रभु यीशु की जय हो, पवित्र आत्मा की जय हो, यहोवा परमेश्वर की जय हो। प्रभु मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को आज एक सच बताना चाहती हूँ, स्वर्ग में जाने की कुंजी। सुनो, प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले हमारे लिए मदर मेरी, वर्जिन मदर मेरी के थ्रू जन्म लिया हम, और जन्म लेकर इस धरती पर आए। वो पिता परमेश्वर के लौते पुत्र थे। और मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए, इंसान जाति के पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन वो जिंदा हुए। तो वो आज जिंदा खुदा है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर यहोवा परमेश्वर जो यीशु मसीह का पिता है, वो कहता है कि अगर तुम्हें पापों की माफ़ी चाहिए तो प्रभु यीशु को के सामने घुटने टिका दो और अपने पापों की क्षमा मांगो, तो वो तुम्हें पाप भी क्षमा करेगा और स्वर्ग भी मिलेगा। मैंने अपने पापों की माफ़ी मांग ली है प्रभु यीशु से। क्या आपने मांगी है? Shall always be in my heart, and all our friends, and he was the light of each and every group we were in. I can't imagine life without our friend. He's a real winner. And for us, he always be always a strong guy, always look after himself, always in their first place. संगीता मैम, काफ़ी मतलब दुख के साथ, मतलब काफ़ी दुख हो रहा है कि इतने अमेजिंग थे वो, मतलब इतना पॉजिटिव वाइब हमेशा लोगों को दिया करते थे, अब वो क्या कहना चाहेंगे, नो वर्ड्स टू से, एब्सोल्युटली नो वर्ड्स, बिकॉज अभी तक हम इस सदमे से बाहर नहीं आ रहे कि ये ऐसा हो भी गया है। बिकॉज दिस गाय, ये तो सच ही नहीं हो सकता, ये जो इस गाय ने इतना सच किया है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। व्हाई एंड फॉर व्हाट रीजन, यू डोंट अंडरस्टैंड, ही इज सच अ गुड एंड शाम एंड हेल्पफुल बंदा, और सब कुछ शेयर करने वाला, किसी सबको मोटिवेट करने वाला, इतना स्पोर्टिव। अभी उसका शोल्डर ब्लॉक हुआ था इतने दिनों से, फिर भी उसने इतना अच्छा मैराथन किया, सब कुछ किया, पता नहीं कहाँ क्या गलत हो गया, कुछ नहीं पता। एंड इतनी बड़ी गलती है, इतना बड़ा कौन सा दुख है आज, जिसकी वजह से आप अपने बेटे से लेके, अपने लोगों से लेके, आप सारी दुनिया को छोड़ कर जा रहे हैं। रियली रियली सैड एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाबू हट जाओ,
तू मेरे ऑफिस ही चलना अभी, मेरे ऑफिस में ये थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट वो कॉपी करवा ले। That's me, you didn't say anything.